विजय पथ पार्ट टू। और अब वक्त हो गया है देश के सबसे लोकप्रिय चुनावी शो विजय पथ का। विजय पथ में आज विजय विद्रोही साउथ दिल्ली के लोगों का मूड आपको दिखाने जा रहे हैं। विजय पथ पार्ट टू में विजय विद्रोही अब दिल्ली में सांसदों के काम की पड़ताल कर रहे हैं। विजय अब तक आपको बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और मनोज तिवारी पर लोगों की राय दिखा चुके हैं। आज देखिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के संसदीय क्षेत्र साउथ दिल्ली में पड़ताल। देखिए मोदी पर क्या है साउथ दिल्ली का मूड। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय पथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। ये कुतुब मीनार बता रहा है कि हम दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में हैं। यहां से सांसद हैं बीजेपी के रमेश बिधूड़ी। आज हम उनके कामकाज की पड़ताल करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली की सातों सीटों पर कमल खिलेगा। कुतुब मीनार यानी दिल्ली की शान। इस इलाके में हम चुनावी पड़ताल की शुरुआत करें उससे पहले कुतुब मीनार के बारे में दर्शकों को जरूर जानना चाहिए। करीब 73 मीटर इस मीनार की ऊंचाई है। विश्व धरोहर की सूची में कुतुब मीनार शामिल है। दिल्ली घूमने वाला हर कोई शख्स एक बार कुतुब मीनार के पास खड़े होकर तस्वीर जरूर खिंचाना चाहता है। पहले इस मीनार में लोगों को जाने की अनुमति थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे अब बंद कर दिया गया है। विजय पथ की टीम जिस दिन इस इलाके में पहुंची, उस दिन स्वच्छता अभियान से जुड़े लोग यहां वंदे मातरम का नारा लगाते हुए सफाई में जुटे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ज्यादातर लोगों ने मोदी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट पर लिखा है आई एम मोदी, यानी हम भी मोदी हैं। सफाई के बाद इन लोगों ने ग्रुप तस्वीरें ली और जब सब फ्री हुए तो हमने उनसे बातचीत शुरू की। मोदी जी का ये जो यंग जनरेशन को जो इंस्पिरेशन है, हम लोग उसी को लेके आज चल रहे हैं। हमारी एक नारा है आई एम मोदी आर यू, मैं मोदी जी के साथ हूँ। मोदी जी चाहते हैं भारत का विकास हो, भारत का सफाई हो। बिधूड़ी जी का जो संसदीय सीट है वहाँ पर आपको विकास के काम दिखते हैं? 100% दिखता है, 100% दिखता है। सफाई अभियान से लेकर हर एक चीज में वो जुड़े हुए हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो गया या ब्लड डोनेशन हो गया, आपकी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, हर चीज में क्षेत्र में वो विकास करने के लिए प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि इस देश से गरीबी की सफाई कब होगी, भ्रष्टाचार की सफाई कब होगी, अन्याय की सफाई कब होगी, असमानता की सफाई कब होगी? नहीं, वो एक एक बेस बना हुआ, उसको सुधारने में हर काम में टाइम लगेगा। आप बोलेंगे जी मोदी सरकार आ गया एक ही बार हमने छलांग लगा लेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। धीरे 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 इसका हो रहा है। संसद बहुत अच्छे हैं, रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ है हर प्रोग्राम में। कल्चरल हो, सफाई हो, कुछ भी हो, विकास के जो सफलता है मोदी जी के साथ वो हमारे साथ भी है। जैसा कि इन लोगों के कपड़े से साफ था कि ये लोग बीजेपी और मोदी के समर्थक हैं, लिहाजा इन लोगों ने अपनी बात कैमरे पर रख दी। लेकिन हमारा मकसद आम वोटर से इलाके के विकास के बारे में जानना था। हम कुतुब मीनार के पास ही शीतल पेय की दुकान चलाने वाले टीटू से मिले। आसपास 45 साल में क्या बदला? काफी चेंजिंग होगी, कुछ बढ़िया बना दिया। पहले वो पार्क बना दिया सामने, उधर था सारा, उधर ये पूरा ये पार्क बना दिया, ये पार्किंग थी, इधर ये बुकिंग बढ़िया बना दी, पहले वो सामने बुकिंग थी, काफी चेंजिंग कर दिया। जैसे कुतुब मीनार की ऊंचाई है, ऐसी सबकी जिंदगी भी ऊंचे स्तर उनका ऊंचा हो। भाई वो तो हर आदमी सोचता है कि मैं तरक्की करूं, आगे बढ़ूं, मेरे बच्चे कुछ बढ़िया बने, बड़ी बिल्डिंग बने, कोई भी इंसान हो वो भी सोचे गए तो। लेकिन पॉलिटिक्स ज्यादा हो जाती है देश में। पॉलिटिक्स तो जो ये हर दो कांग्रेस बीजेपी दोनों की पॉलिटिक्स चलती रहती है तो आपस में। टीटू से बात करके हम दुकान से निकले तो कुतुब मीनार देखकर बाहर आती एक माँ बेटी से मुलाकात हो गई। बातचीत में पता चला कि लंदन से दोनों माँ बेटी यहाँ आई हैं। हमने उनसे कम समय में ही लंदन और भारत के राजनयिक सिस्टम पर सवाल पूछ लिए। एक पॉलिटिकल सिस्टम लंदन में है, एक पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में है। हमने यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम देखा है कि जब नेता जीतते हैं तो उनका घर कुतुब मीनार जितना ऊंचा होता जाता है और झुग्गी झोंपड़ियाँ असलम वैसी की वैसी रहती हैं। आपको ये चीज हर्ट करती है? लंदन में ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियंस और जनरल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट द सेम। आपको लगता है कि जैसे कुतुब मीनार इतना ऊंचा है, सर तान के खड़ा हुआ है, ऐसे हिंदुस्तानियों का जो जीवन स्तर है, लेवल ऑफ लिविंग, वो भी ऊंची होनी चाहिए?
हाँ डेफिनेटली एंड आई थिंक जैसे जैसे नई जनरेशन ग्रो अप हो रही है हमारा थिंकिंग ऐसी बन रही है बट उसको ऑब्वियसली फिजिकल मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा. पॉलिटिक्स दबा देती हैं जी, पॉलिटिशियन इन चीज़ों को थोड़ा दबा देते हैं, पॉलिटिक्स ज़्यादा होने लगे. हाँ एग्जैक्टली, तो ज़्यादा उसको मतलब लाइट में नहीं लाते हैं, मीडिया में भी ज़्यादा नहीं लाते हैं, बट या होना चाहिए. कुतुब मीनार के पास में ही एयरपोर्ट है, लिहाजा विमानों की आवाजाही यहाँ सामान्य बात है. यहाँ लोगों से बात करने के बाद विजय पथ की टीम आगे बढ़ी और पास के मोहल्ले में पहुँची. एक छोटी सी दुकान के पास हमने गाड़ी रोकी और पहुँच गए बात करने. किरण और उनकी बेटी डिम्सी दुकान में लगी हुई थी. छोटी सी दुकान में जरूरत की हर चीज मौजूद है, मोहल्ले वालों को इससे काफी मदद मिलती है. हमने किरण से बात की तो उन्होंने बताया कि 2014 में मोदी के नाम पर वोट किया था. अब चक्कर यह है कि ना चीजें एक तो महंगी हो रही हैं, आटा महंगा हो गया है. अब हमें तो पता चल जाता है कि आटा पहले क्या भाव था अब क्या भाव है. आटा महंगा हो गया है, सामान में काफी मतलब ना उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं. पार्टी कोई भी हो मुझे उससे मैटर नहीं करता, मुझे ये करता है कि लोगों को अच्छा मिले, गैस हो, जो लेडीज की जो रोजमर्रा की चीजें हैं खाने पीने का है ये भी महंगा हो रहा है. गैस तो प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब औरतों को भी दी है. गरीबों को करा है उन्होंने, लेडीज को करा है, लेकिन वो गाँव में करा है ना. अब यहाँ पे तो गैस बहुत महंगी हो गई है. नोटबंदी का फर्क पड़ा था आपका? अरे नोटबंदी, मेरे थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए थे वो भी चले गए, वो भी पता चल गया मेरे हस्बैंड को, वो तो इन्होंने मरवा दिया. वो मरवा दिया इन्होंने. इन्होंने जितनी भी लेडीज के छोटे, बहुत लेडीज आती हैं हमारे पास, कहते हैं मेरे इतने पैसे गए, मेरे इतने गए, मैं अपने हस्बैंड के सामने छुपा छुपा के रख दिया. टाइम तो दिया था 31 दिसंबर तक. अरे सुनो, सब निकल गया, मोदी जी को नहीं पता लेडीज कैसे छुपा छुपा के रखती हैं पैसे. और वो भी कभी आने वाले टाइम में उनके ही काम आएगा, हस्बैंड के ही काम आएंगे. वो सब ले लिया, मेरे को आज तक नहीं दिया. मैं तो मोदी जी से लूंगी वो पैसे अपने. तो आपके जो यहाँ से सांसद हैं रमेश विदुड़ी, उनका कामकाज कैसा रहा है? उनका कामकाज देखो मेरे को नहीं पता, मैं फ्रेंकली बता रही हूँ. मोदी जी के नाम पे, मैं तो मोदी जी के नाम पे दिया. अच्छे दिन आएंगे इस चक्कर में, पर मेरे तो पैसे गए. बातचीत के दौरान ही मालूम चला कि किरण की बेटी डिम्सी सीरियल्स में भी काम कर चुकी है, लेकिन अभी रोजगार नहीं है तो माँ के हाथ बटा रही है. मतलब अभी भी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा रिसेशन है. जो पहले मैंने जॉब भी करी थी तो अभी मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सबको जॉब में बहुत ज्यादा मतलब जॉब नहीं मिल रही है. तो मतलब मैंने जितना भी ट्राई करा था बीच में, तो हर जगह रिसेशन है, कहीं पर भी नहीं है. एचआर की, जैसे मैंने एचआर का कोर्स करा है तो एचआर में नहीं है जॉब, बिल्कुल भी जॉब नहीं है. मोदी जी से क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जॉब होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. माँ बेटी से बात करने के बाद विजय विद्रोही एक कॉलोनी में पहुँचे. लोगों ने घर सजाने के लिए बालकनी में पेड़ लगा रखे हैं, मोहल्ला साफ सुथरा दिख रहा है. तभी बाइक पर साफ सफाई का सामान लादे एक शख्स आवाज लगाता सुनाई दिया. फूल और झाड़ू दोनों एक साथ. दिल्ली में लड़ाई इन्हीं दोनों चुनाव चिन्ह के बीच है. बाइक रोककर हमने झाड़ू वाले से नाम पूछा और बातचीत शुरू कर दी. मोहम्मद अली हमें मिल गए एक अपार्टमेंट में, बिहार के हैं, यहाँ करीब 6-7 साल से झाड़ू बेच रहे हैं. तो कितनी तरह के झाड़ू हैं आपके पास? हमारे पास सर 2-4 क्वालिटी के झाड़ू होते हैं, हर तरह के, वाइपर है, पोछे हैं, सब चीज रखते हैं हम लोग. घूम घूम के कॉलोनियों में फेरी लगाते बेचते रहते हैं. आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू, तो उसके बाद आपकी झाड़ू में की बिक्री में फर्क आया था? नहीं सर, हम लोग तो फेरी वाले, वो चीज़ तुमको समझ में नहीं आते. हम बस ऐसी घूम, चुनाव चिन्ह है ना झाड़ू, उनका झाड़ू लगा देंगे, सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे. सर वो तो अलग चीज, हमें तो नहीं सुनाते सर उन चीज़ों का. हम लोग तो बस ऐसे फेरे घूमते रहते हैं बस. प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा लिया 5 साल पहले और झाड़ू लगाना शुरू किया कि देश भर में सफाई कर देंगे. वो तो है ही सर, सफाई रहना चाहिए देश भर में, सही रहता है. क्योंकि हम तो बस घूम घूम के बेचते हैं. पहले से हाँ ठीक ही चल रहा है, पहले तो कम चल रहा था, अब तो ज़्यादा ही होने लगा था. हमारे केजरीवाल ने झाड़ू को ज़्यादा पॉपुलर किया या मोदी जी ने झाड़ू को ज़्यादा पॉपुलर किया? ये सर क्या बोल इसमें. अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा था, आपने भी देखा होगा. हाँ देखे हवाई जहाज गुजर. कभी हवाई जहाज में जाने की तमन्ना रखते हो? जी सर, ये तो हमेशा रखते हैं तमन्ना कि आगे इंसान बढ़े और आगे की सोचे, तमन्ना तो रखते ही हम लोग बस.
हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के रमेश बिधोड़ी को 2014 में यहां 4,97,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। इस सीट से मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, विजय कुमार मल्होत्रा भी सांसद रहे हैं। साउथ दिल्ली में घूमते हुए विजय विद्रोही को एक कॉलोनी में कुछ लोग मिल गए। विजय ने दिल्ली के राजनीतिक हालात पर सबसे बातचीत की। आप भी देखिए क्या सोचता है देश की राजधानी दिल्ली का ये दक्षिणी इलाका। यहाँ पर आपके जो सांसद हैं उन्होंने पिछले 4-5 साल में विकास के कुछ काम, आज तक चेहरा तक नहीं देखा उनका, यहाँ पे कभी विजिट भी नहीं करे उन्होंने। चेहरा दिखाना हो दिखाओ, लेकिन काम तो किया ही नहीं, चेहरा नहीं दिखा, घूमे नहीं, जानते ही नहीं होंगे कौन सी गली कहाँ पे। हर 2 मिनट में जहाज ऊपर से जाता है जी, वो नजर नहीं आते जी जी बिल्कुल सही। बहुत डन कुछ भी नहीं किया था हम लोग, ऐसा कुछ वो सिविक अथॉरिटीज का जो काम चल रहे है, सिटीज चल रहे, स्पेशली कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि पिछले 4-5 साल में कुछ चीज़ें बदली हैं, माहौल बदलने की कम से कम कोशिश हुई है? कोशिश भी नहीं हुई है, सिर्फ बातें हुई हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो केजरीवाल सरकार। बिल्कुल, सब झाड़ू लेके चलते रहे लेकिन कुछ साफ नहीं कर पाए, कुछ साफ नहीं कर पाए। सांसद जब चुनाव के समय आते हैं उसके बाद तो कभी आते नहीं, शायद जन सामान्य की जो समस्या है उसमें शायद उस तरह से उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेकिन जो लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, वो देखिए मोदी जी को वोट दिया। अब एक छोटी सी बात कि उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग की मानसिकता भी ऐसी है, हम चाहते हैं कि मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी रोज आके झाड़ू लगाएं, वो एक बहुत बड़ा सच है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि 5 साल में कुछ नहीं बदला, गंदगी से लेकर सुरक्षा तक के सवाल ज्यों के त्यों हैं। दर्शकों को हम बता दें कि दक्षिणी दिल्ली वही इलाका है जहां निर्भया गैंगरेप हुआ था। विजय विद्रोही ने महसूस किया क्यों ना महिला सुरक्षा को लेकर लड़कियों से बात की जाए, लिहाजा वो एक घर में पहुंचे और लड़कियों से ये जाना कि उनके हिसाब से 5 साल में क्या कुछ बदला है या नहीं। डर तो बिल्कुल भी नहीं है लोगों में, आज भी वैसी पूरा नॉर्मल चल रहा है, किसी का कोई माइंडसेट नहीं बदला है और वैसी गंदी नज़रों से लड़कियों को देखा जाता है। गर्ल्स आर नॉट एट ऑल सेफ, और रात में निकले दिन में निकले एक बराबर है, और लड़कों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोग को कोई मेंटालिटी नहीं बदली है, बहुत ही चीप थिंकिंग है उन लोग की, और ग्राउंड लेवल पे तो कुछ भी नहीं बदला है। कि अगर आप बस में भी जाएं, लोकल बस में आप देखें ज़्यादा, तो उसमें भी आप देखें तो उसमें ज़्यादा सेफ नहीं लगता है, क्योंकि इतने सारे और औरत भी बहुत कम दिखती हैं ऐसी बसों में, और इसलिए मेट्रो में भी अलग से लड़कियों के लिए एक फर्स्ट सीट बना रखी है जिसमें आदमी लोग नहीं घुस सकते हैं, तो मेरे को लगता है सेफ नहीं है। नहीं, बिकॉज अगर देखिए जैसे नॉर्मल अगर सुबह हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे जैसे मैं हूँ मतलब मेरे पेरेंट्स साथ में रहेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा सेफ रहेगा कि कुछ मुझे अगर होगा तो दे आर देयर, कुछ वो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ अगर मैं बड़ी हुई, जहाँ अकेले ट्रैवल करने लग गई रात में ये वो, तब थोड़ा रहेगा कि अब मैं इस बस से जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि अभी हम कैब्स में भी हम ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे कैब के केसेस भी आए हैं हमारे उसमें, न्यूज़पेपर में मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि आज इस कैब वाले ने इसको ऐसे कुछ कर दिया, वो ऐसे कर दिया, किल्ड ऐसे। तो मेरे हिसाब से मतलब कि गवर्नमेंट को हर चीज़ चेंज करनी चाहिए, वुमेंस के लिए वुमेन ड्राइवर्स होनी चाहिए उनको, जिससे कि वो आगे भी बढ़े, मतलब इससे वुमेन जो होता है उसका एम्पावरमेंट भी आगे। तो फिर मेरे ख्याल से तमाम लोगों से बात करने के बाद विजय विद्रोही निकले तो रास्ते में उन्हें लोटस टेम्पल दिख गया। लोटस टेम्पल देखकर विजय यही सोच रहे हैं कि क्या इस बार दिल्ली में कमल खिल पाएगा। विजय इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे से मिले। देखिए दिल्ली के 7 सांसदों में रमेश विधूड़ी एक ऐसे सांसद हैं जिन्हें शायद सबसे ज्यादा विश्वास होगा कि अगली बार 2019 में लोकसभा का टिकट एक बार फिर उन्हें मिलेगा, क्योंकि और मुझे लगता है हर्षवर्धन भी उस श्रेणी में आते हैं, उसके साथ साथ में प्रवेश वर्मा भी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि विधूड़ी जी अपने कामकाज पर ही पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, उनके पास अपना एक जातिगत समर्थन का आधार भी है जो कि राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कामकाज तो दिल्ली के सभी सांसदों की स्थिति यह है कि वो
कामकाज के मामले में काफ़ी ठंडे ही हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कामकाज आम आदमी पार्टी के लिए एक सकारात्मक पहलू हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह का गठजोड़ नहीं हुआ, किसी तरह की आपसी समझदारी नहीं हुई और वोटों का अगर बंटवारा हुआ, तब फिर केजरीवाल के कामकाज का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 2014 में सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। जानकारों का मानना है कि अगले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं या फिर अलग अलग। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विजय विद्रोही, लोटस टेम्पल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। विजय पथ पार्ट 2, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।